हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज के बारे में बताऊंगी। हरितालिका तीज साल में आने वाली सभी व्रत त्योहारों में से एक है। हरितालिका तीज का यह जो व्रत है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य और योग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत को निर्जल किया जाता है। आज हम जानेंगे साल 2021 के हरितालिका तीज की व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े कुछ खास नियम जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज की संपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपको हर तीज त्यौहार की, एकादशी और पूर्णमासी, हर व्रत की संपूर्ण जानकारी बताती हूँ, कुछ खास उपाय भी बताती हूँ और वास्तुशास्त्र से जुड़ी भी कुछ खास जानकारियाँ इस चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड की हैं। तो आप इस चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और अविवाहित महिलाएं मनचाहा वर पाने के लिए भी ये व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 9 सितंबर गुरुवार को पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करता है तो उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। हरतालिका तीज के व्रत को लेकर ऐसा भी माना गया है कि इस दिन व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख और संतान की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का पर्व त्रेता युग से मनाया जा रहा है। इस दिन जो महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पुराणों में भी वर्णन है कि हरतालिका तीज के दिन माँ पार्वती की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने पत्नी स्वीकार किया था। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में हरतालिका तीज का व्रत 9 सितंबर गुरुवार को रखा जाएगा। तृतीय तिथि शुरू होगी 9 सितंबर प्रातःकाल 2:33 पर और तृतीय तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर प्रातःकाल 12:18 पर। हरतालिका तीज प्रातःकाल पूजा मुहूर्त होगा, प्रातःकाल 6:03 से 8:33 तक। और हरतालिका तीज प्रदोष काल पूजा मुहूर्त है, शाम के 6:33 से 8:51 तक। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन पूजा प्रातःकाल और प्रदोष काल में की जाती है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त का समय प्रदोष काल होता है। ये निर्जल व्रत माता पार्वती और भगवान शंकर को समर्पित है। इस दिन प्रातः स्नान करके, सुबह यानी कि स्नान करके आप शुद्ध वस्त्र धारण करें और 16 श्रृंगार करें। व्रत का संकल्प लेकर पूजा के लिए
आप भगवान शिव और माता पार्वती की और भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें, यानी कि भगवान गणेश की और भोलेनाथ माता पार्वती की काली मिट्टी से प्रतिमा बना लें। अब पूजा स्थल को शुद्ध करें और एक चौकी पर इन सभी प्रतिमाओं को स्थापित करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और विधि पूर्वक सभी का पूजन करें। सुहाग का सामान माता पार्वती को अर्पित करें और फिर हरतालिका तीज की व्रत कथा भी जरूर सुने या पढ़ें। अंत में सभी की आरती कर पूजा संपन्न करें और फिर अगले दिन व्रत का पारण करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। हरतालिका तीज की व्रत कथा दोस्तों मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी, आप उसे भी जरूर देखिएगा। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम। दोस्तों हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं और कुंवारी कन्याओं द्वारा अखंड सौभाग्य और योग्य वर की प्राप्ति की कामना से निर्जल रखा जाता है, यानी कि बिना जल के। अन्य व्रतों की तरह इस व्रत के भी कुछ जरूरी नियम हैं। यदि व्रती द्वारा इन नियमों के पालन के साथ इस व्रत को किया जाता है तो माना जाता है कि व्रती को इस व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़े नियम कौन से हैं। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए और व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है, यानी कि अगले दिन आपको जल ग्रहण करना है, पानी पीना है। माना जाता है कि हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने के बाद बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान के साथ करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश मतलब इस व्रत को छोड़ना चाहते हैं तो उद्यापन के बाद किसी और को व्रत दें, मतलब किसी और को आप ये व्रत दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन महिलाओं को किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए और यदि संभव हो तो व्रत की रात को जागरण करें, भजन कीर्तन करें। इस दिन दूसरों की बुराई या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान न करें। हरतालिका तीज के दिन श्रृंगार जरूर करें, श्रृंगार को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए इस दिन आप 16 श्रृंगार अवश्य करें और 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप हरतालिका तीज की व्रत कथा जरूर पढ़ें और सुनें, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है, तभी व्रत पूरा माना जाता है, वरना व्रत अधूरा ही रह जाता है। तो हरतालिका तीज व्रत की कथा मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी, आप उसे जरूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए दोस्तों लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी।